तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों, की हलचल मजा। वैसे तो हमारे भारत देश की संस्कृति और धार्मिक विरासत दुनिया भर में प्रसिद्ध है, और हमारे देश में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिनकी शोभा देखने के लिए देश विदेशों से लाखों लोग यहाँ आते हैं और यहाँ के मंदिरों को देख के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको विश्व के सबसे बड़े हिंदू मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ भाई बहन शायद इसके बारे में जानते हों, किंतु बहुत से भाई बहन ऐसे भी होंगे जो शायद इसके बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि यह मंदिर भारत में मौजूद ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह मंदिर भारत में नहीं बल्कि कंबोडिया में स्थित है, और इस मंदिर को अंकोरवाट मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसे भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है। कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक मुख्य देश है, और दोस्तों कंबोडिया को कंबोज नाम से भी जाना जाता था, जो इसका प्राचीन सांस्कृतिक नाम था। कंबोज वास्तविक अर्थ में भारतीय उपनिवेश था। वहाँ के निवासियों का धर्म, उनकी संस्कृति एवं सभ्यताएं, साहित्यिक परंपराएं, वास्तुकला और भाषा सभी पर भारतीयता की अमिट छाप थी, जिसके दर्शन आज भी कंबोडिया के दर्शकों को हो ही जाते हैं। कंबोज की प्राचीन कथाओं के अनुसार इस उपनिवेश की नींव आर्य देश के राजा कंबोज स्वयं भूमि ने डाली थी। वह भगवान शिव की प्रेरणा से कंबोज देश में आए, और यहाँ बसी हुई नाग जाति के राजा की सहायता से उन्होंने इस जंगली मरुस्थल में एक नया राज्य बसाया, जो नागराज की अद्भुत जादूगरी से हरे भरे सुंदर प्रदेश में परिणत हो गया। कंबू ने नागराज की कन्या मेरा से विवाह कर लिया और कंबोज राजवंश की नींव डाली। दोस्तों, कंबोडिया में बड़ी संख्या में हिंदू और बौद्ध मंदिर हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं कि कभी यहाँ पर भी हिंदू धर्म अपने चरम पर था। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में जानने के लिए बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में इस बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं अंकोरवाट मंदिर के बारे में। अंकोरवाट मंदिर कंबोडिया के अंकोर में स्थित है, जिसे कभी यशोदपुर भी कहा जाता था। 12वीं शताब्दी के लगभग सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसे बनवाना शुरू किया था, परंतु इसका समापन धरणीन्द्र वर्मन के शासनकाल में हुआ था। दोस्तों, कहा तो ऐसा भी जाता है कि स्वयं देवराजेंद्र ने महल के तौर पर अपने पुत्र के लिए इस मंदिर का निर्माण एक ही रात में अपनी अलौकिक शक्तियों के द्वारा किया था। यह मंदिर आज भी संसार का सबसे बड़ा मंदिर है, जो करीब 162.6 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। दोस्तों, इस मंदिर की रक्षा इसके चारों ओर बनी एक खाई करती है, जिसकी चौड़ाई लगभग 700 फुट है। मंदिर के पश्चिम की ओर इस खाई को पार करने के लिए एक पुल बना हुआ है, और उस पुल के पार जाकर मंदिर में प्रवेश करने के लिए एक विशाल द्वार निर्मित है, जो लगभग 1000 फुट चौड़ा है। हैरानी की बात यह है कि अंकोरवाट मंदिर की दीवारों पर मूर्तियों से पूरी रामायण अंकित है। यहाँ के शिला चित्रों में रामकथा बहुत समुचित रूप में है। इन चित्रों में रावण वध से शुरुआत हुई है, और इसके बाद सीता स्वयंवर का दृश्य मिलता है। इन दो प्रमुख घटनाओं के बाद विराट एवं कंबद वध का चित्रण है। फिर अगले शिला चित्रों में भगवान श्री राम स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ते हुए, सुग्रीव से श्री राम की मैत्री बाली सुग्रीव युद्ध, अशोक वाटिका में हनुमान राम रावण युद्ध, सीता की अग्नि परीक्षा और राम की अयोध्या वापसी के दृश्य देखने को मिलते हैं। इस अंकोरवाट मंदिर के गलियारों में तत्कालीन सम्राट बलि वामन, स्वर्ग नरक, समुद्र मंथन, देव दानव, युद्ध महाभारत, हरिवंश पुराण जैसे अनेक दृश्य बेहद बारीकी से उकेरे गए हैं। इससे पता चलता है कि अंकोर थोम जिस कंबोज देश की राजधानी थी, वहां पर भगवान विष्णु, शिव शक्ति, गणेश जी की सबकी पूजा प्रचलित थी। मंदिर को देखने के बाद समझ में आता है कि यहाँ की दीवारों पर मूर्तियाँ हिंदू धर्म के गौरवशाली इतिहास की कहानी को बताती हैं। दोस्तों, मंदिर के एक अभिलेख से पता चलता है कि अंकोर, जिसे यशोदपुर कहा जाता था, यशोदपुर के संस्थापक नरेश यशो वर्मा थे, जो अर्जुन और भीम जैसे वीर, सुश्रुत जैसे विद्वान तथा सिल्फ भाषा, लिपि एवं नृत्य कला में महान थे। उन्होंने अंकोर थोम एवं अंकोरवाद के अलावा कंबोज के अनेक राज्य स्थानों में भी आश्रम स्थापित किए, जहाँ रामायण, महाभारत, पुराण तथा अन्य भारतीय ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन होता था। इतिहासकारों का कहना है कि 13वीं शताब्दी के अंत तक कंबोडिया पर बौद्ध धर्म के अनुयायियों का कब्जा शुरू हो गया, जिसके बाद अंकोरवाट मंदिर की संरचना में भी तमाम तरह के परिवर्तन होने लगे, और मंदिर में बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा, और इस पर बौद्ध धर्म के लोगों का अधिकार हो गया। 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक थेरवाद के बौद्ध साधुओं ने अंकोरवाट मंदिर की देखभाल की, जिसके परिणाम स्वरूप कई आक्रमण होने के बावजूद इस मंदिर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं मंदिर की कुछ खास बातों की तरफ। नंबर एक, यह मंदिर लंबे समय तक गुमनाम रहा। 19वीं शताब्दी के मध्य में एक फ्रांसीसी पुरातत्वविद हेनरी मोहत के कारण अंकोरवाट मंदिर फिर से अस्तित्व में आया, और फिर उसके बाद वर्ष 1986 से लेकर 1993 तक भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इस मंदिर के संरक्षण का जिम्मा संभाला था। न जाने ऐसे और कितने मंदिर हैं जिनकी आज भी कोई देखभाल नहीं होती। नंबर टू, फ्रांस से आज़ादी मिलने के बाद अंकोरवाट मंदिर कंबोडिया देश का प्रतीक बन गया। राष्ट्र के लिए सम्मान के प्रतीक इस मंदिर को 1983 से कंबोडिया के राष्ट्रध्वज में भी स्थान दिया गया। नंबर थ्री, यह मंदिर एक ऊँचे और बड़े चबूतरे पर स्थित है, जिसमें तीन खंड हैं।
प्रत्येक में सुंदर मूर्तियां हैं और प्रत्येक खंड से ऊपर के खंड तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं। नंबर 4, प्रत्येक खंड में 8 गुंबज हैं, जिसमें से प्रत्येक गुंबज की ऊंचाई 180 फीट है। नंबर 5, मुख्य मंदिर तीसरे खंड की चौड़ी छत पर स्थित है, जिसका शिखर 213 फीट ऊंचा है और यह पूरे क्षेत्र को गरिमामंडित किए हुए है। नंबर 6, इस प्रकार का भव्य और विशालकाय धार्मिक स्मारक संसार के किसी अन्य स्थान पर देखने को नहीं मिलता है। भारत से संपर्क के बाद दक्षिण पूर्व एशिया में कला, वास्तुकला तथा स्थापत्य कला का जो विकास हुआ है, उसका यह मंदिर उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर को देखने और भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए हर साल लाखों भक्त भारत समेत कई देशों से भी यहाँ पहुँचते हैं। नंबर 7, बताया जाता है कि इसे बनाने के लिए 50 से 1 करोड़ रेत के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। प्रत्येक पत्थर का वजन 1.5 टन है। लास्ट और नंबर 8, इस मंदिर को 1992 में यूनेस्को ने विश्व विरासत में भी शामिल किया है। साथ ही इस मंदिर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी दर्ज किया गया है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में ना जाने ऐसे ही कितने और मंदिर हैं, जिनके बारे में हमें कभी भी किताबों में नहीं पढ़ाया जाता, ना ही उनकी हिस्ट्री बताई जाती है। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि आपको ऐसे ही हर वीक में एक प्राचीन मंदिर के बारे में बताता रहूं। बस आप सब अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि अपने वीडियो की रीच बनी रहे। और जाते जाते मैं आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपके लिए 2 वीडियो सजेस्ट करके जा रहा हूँ, तो इन वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।